आयु पूर्ण करते समय तक प्रचारक रहे। विशेष बात यह थी कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। नाना जी के बारे में हम जानना शुरू कर रहे हैं, इसलिए सब लोग इधर ध्यान देंगे। महापुरुष हैं, भारत रत्न हैं, उनको भारत रत्न मिला, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी हम सबके लिए, संघ के लिए, संघ विचार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भारत रत्न मिला। भारत रत्न अटल जी को भी मिला, वो भी प्रचारक रहे, लेकिन नाना जी को मिला तो हम सबको लगा कि हम सबको मिला है, क्योंकि सारे कार्यकर्ताओं ने जिन्होंने उनके साथ काम किया था उन सबको लगा कि हमें भारत रत्न मिल गया। भारत रत्न अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, छोटी उपलब्धि नहीं, अपने देश का सबसे बड़ा ये सम्मान है जो प्राप्त हुआ। इसलिए हम सबको जानना जरूरी है कि नाना जी के बारे में हम क्यों जाने, ये भी एक बात होती है ना कि नाना जी के बारे में हम क्यों जाने, तो इसलिए जाने क्योंकि उनको भारत रत्न मिला। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के महापुरुष, जिन्होंने इतिहास बनाया, जिन्होंने कुछ काम ऐसे किए जो इतिहास बन गया, जो वर्तमान और भविष्य में भी उपयोगी। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी अपने प्रधानमंत्री हैं, वो भी संघ के प्रचारक रहे, लेकिन नाना जी को वो फॉलो करते रहे। 2014 का अगर उनका भाषण आप सुनेंगे, यूट्यूब पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, या वर्ष 2016 के नाना जी जन्म शताब्दी वर्ष के समय जो उन्होंने विज्ञान भवन में भाषण दिया, उस भाषण को अगर आप सुनेंगे तो वो नाना जी देशमुख जी को फॉलो करते थे। किन बातों को लेकर फॉलो करते थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक अनुशासन में रहते हैं, दिनचर्या का पालन करते हैं, अध्ययन स्वाध्याय में विश्वास करते हैं, सब समाज को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, स्वयं भोजन करें ना करें लेकिन आपका भोजन हुआ नहीं हुआ इसकी चिंता करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी विशेषताएं एक प्रचारक के अंदर होती हैं। उसमें से भी कुछ ऐसे प्रचारक निकलते हैं जो विशेष गुण वाले होते हैं, जिनको महापुरुष, पुरुष के आगे जाकर के उनकी गतिविधियां होती हैं, इसलिए महापुरुष होते हैं, महामानव बन जाते हैं। उनको भारत रत्न मिला तो नाना जी, ये उनका नाम दिया गया उनको, उनका नाम था जो चंडिका अमृत राव देशमुख, ऐसा नाम था, लेकिन घर परिवार में छोटे होने के कारण कई स्थानों पर, कई राज्यों में नाना मतलब छोटे, अपने यहाँ नाना मतलब माँ के पिताजी, ऐसे नाना होते हैं। नाना मतलब विविध प्रकार का भी होता है, तुलसीदास जी ने भी चौपाई में, रामचरितमानस में कई जगह नाना शब्द का प्रयोग किया, वो भी विविध प्रकार के लिए किया है, भांति भांति के लिए किया है, नाना प्रकार से किया है। तो हमारे जो नाना जी थे वो नाना प्रकार के गुणों से परिपूर्ण थे, पढ़ाई में अच्छे थे, बिरला जो बिट्स पिलानी का नाम सुना होगा, डॉक्टर हेडगेवार जी के जो संघ के संस्थापक थे उनकी प्रेरणा से वहां पढ़ाई करने गए, क्योंकि वहां पर वो संघ की शाखा लगाएं, संघ का काम शुरू करें, इसलिए वहां बिट्स पिलानी गए, वहां पढ़े, पढ़ने के बाद भी इतनी अच्छी पढ़ाई की है कि हम लोगों ने नाम सुना होगा, अपन सुनते ना अपने देश में उद्योगपति हैं टाटा बिरला, अब तो बहुत सारे जुड़ गए उसमें, अडानी अंबानी और बहुत सारे जुड़ गए, लेकिन उस समय आज़ादी के बाद टाटा बिरला यही ऐसे उद्योगपति थे जिनके बारे में हम लोग जानते थे। तो जो बिरला थे उन्होंने नाना जी का चयन किया, जब वो बिरला स्कूल से नंबर एक पास हुए, उत्तीर्ण हुए सबसे अच्छे नंबरों से, तो उनको ये कहा गया कि हम हमारे सचिव बन जाएगा, और आप उस समय की जो स्थिति थी उस समय में उनको अच्छा पैसा धन वो उस काम के लिए देने वाले थे, लेकिन नाना जी ने कहा कि नहीं, हम तो संघ के काम के लिए आए हुए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम के लिए हम आए हुए हैं, इसलिए हम उस काम को करेंगे, और हम आपके सचिव के रूप में काम नहीं कर सकते, लेकिन आपके जो काम है उन कामों को हम करते रहेंगे, और उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया। उस समय वहाँ एक चित्रकला प्रतियोगिता हुई, उस चित्रकला प्रतियोगिता कॉलेज स्कूल्स में होती है ना, समय समय पेंटिंग कंपटीशन होते हैं, उस समय जो पेंटिंग कंपटीशन हुए उस कंपटीशन में नाना जी अव्वल आए और उनका चित्र सर्वश्रेष्ठ चुना गया, और वो प्राचार्य जैसे अभी आई थी ना शशि जी, ऐसे प्राचार्य जी के कक्ष में वो चित्र लगाया गया, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ चित्र नाना जी का रहा। तो हमने कैसे अच्छे विद्यार्थी थे, अच्छे चित्रकार थे, अच्छे सहयोगी कार्यकर्ता थे, क्योंकि उन्होंने आगे चल करके संघ के काम को बढ़ाने के लिए उनको उत्तर प्रदेश में भेजा गया, उत्तर प्रदेश में गए, उन्होंने
अटल जी के साथ भी थोड़े समय रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ, जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन हम सबको एक विचार दिया, अंत्योदय का विचार दिया। समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को हमें आत्मनिर्भर बनाना है, चाहे वो किसी भी जाति भाषा प्रांत मजहब का हो। आज हम लोग सुनते हैं ना, जाति को बांटने की बात कर रही है, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, क्षेत्रवाद की बात हो रही है, लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत वर्षों पहले एकात्म मानव दर्शन का विचार दिया, वो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के नाते उन्होंने विचार दिया। उनके विचार को संघ ने स्वीकार किया, वो दर्शन एक संघ का विचार दर्शन बना, जिसको एकात्म मानव दर्शन कहा गया। और उसमें ये कहा गया कि समाज में जो भी कोई गरीब है, महिला हो पुरुष हो, जाति भाषा मजहब प्रांत का कोई भेद नहीं, गरीब है, उसकी गरीबी को दूर करना है। हमारी जो पढ़ाई है वो इस काम में आना चाहिए कि गांव की गरीबी दूर हो, गांव आत्मनिर्भर हो, गांव स्वावलंबी हो। तो नाना जी इस प्रकार से अच्छे विद्यार्थी के रूप में, अनुशासित विद्यार्थी के रूप में, चित्रकार के रूप में, बाद में पत्रकार के रूप में, अच्छे फोटोग्राफर के रूप में, नाना जी बहुत अच्छे फोटोग्राफर भी थे। उनके पास में हिंदुस्तान में जब वो कैमरा नहीं होता था तो वो निकॉन का कैमरा मंगा करके उनके मित्र सहयोगी जो देश में बड़े उद्योगपति होते थे नस्ली वाडिया, उन्होंने ला करके नाना जी को कैमरा दिया। और नाना जी ने फिर फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ की भी फोटोग्राफी की और गांव की गरीब जनता की भी फोटोग्राफी की, वहाँ की गांव की स्थिति की भी फोटोग्राफी की। और वो अपने ऑफिस में दो फोटो लगाते थे, गांव की पहले की स्थिति, गांव की बाद की स्थिति। नाना जी के ऑफिस में दिल्ली में कॉरपोरेट ऑफिस जैसा उनका होता था, उस ऑफिस में ट्रांसलाइट लगा के अंदर लाइट लगी होती थी और दिखता था कि गांव के महिला पुरुष खेती जानवर कैसे हैं। उसके बाद नाना जी या दीनदयाल शोध संस्थान या काम करने, उनके खुद के काम करने के बाद में गांव की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ उसको मेजर करते थे। ऐसे नहीं करते थे गांव का काम हो गया, गांव विकसित हो गया, गांव में स्कूल बन गया, अस्पताल बन गया, रोड बन गई, गांव का विकास हो गया, बोल दिया, भाषण कर दिया, नहीं, वो इस पर विश्वास नहीं करते थे। वो फिजिकली भी देखते थे जाके चीजों को और उसको मेजर भी करते थे, मेजरमेंट भी करते थे और उनको फोटो लगा के बताते थे भी थे कि जब हमने काम करना शुरू किया तब गांव की ये स्थिति थी, काम करने के बाद में गांव की ये स्थिति, आप अपनी आंख से देख सकते थे, विश्वास कर सकते थे। तो उन्होंने गांव के काम के लिए राजनीति में संघ का काम किया, फिर राजनीति का काम किया, जनसंघ की स्थापना काल में वो साथ में रहे। उसके बाद में उन्होंने राजनीति के वो सर्वोच्च शिखर पर भी पहुंचे। जब जनता पार्टी का काल था, जब इमरजेंसी थी, आपातकाल था, जब नेताओं को जेल में डाल दिया गया था, उस समय नाना जी भी जेल में गए। नाना जी ने बाहर रह करके भी देश समाज को जागरूक किया आपातकाल के खिलाफ, और जब जेल में चले गए तो वहां पर रह करके भी लोगों को जोड़ते रहे, वहां जेल के अंदर भी लोगों को जोड़ते रहे, देश समाज की बात करते रहे। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जिनका 11 अक्टूबर को उनका भी जन्मदिन होता है और नाना जी देशमुख जी का भी जन्मदिन 11 अक्टूबर को होता है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिनका नाम सुना होगा, जिसकी चर्चा इस समय बहुत टीवी में दिखाई दे रही है, चर्चा हो रही है, उत्तर प्रदेश में काफी चर्चा हो रही, माला पहनाने मिला नहीं मिला उनकी, तो वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और उनकी पत्नी प्रभावती जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के कहने पर नाना जी चुनाव में आए, चुनाव जीते, संघ के प्रचारक थे, लेकिन बलरामपुर उत्तर प्रदेश जहां अटल जी बाद में चुनाव लड़े, वहां पहले नाना जी चुनाव लड़े, जीते, और वहां की जो महारानी साहब थी उनको उन्होंने चुनाव में हराया था। चुनाव जीतने के बाद जब मंत्रिमंडल बनाया गया तो उनको भी उद्योग मंत्री का ऑफर आया। नाना जी के दल से तीन मंत्री बनने थे, उसमें अटल जी, अडवाणी जी, नाना जी, तीन लोगों को मंत्री बनाया जाना था। नाना जी ने वो मंत्री पद को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम मंत्री रह करके अच्छा काम नहीं कर सकते, हम सांसद रह के गांव वालों के बीच में रहते हुए हम बहुत कुछ अपने उस इलाके के लिए करना चाहते हैं जहाँ से हम जीत के आए। तो नाना जी ने जो महारानी साहब चुनाव में हारी हुई थी उनसे वो जमीन ली और वहाँ पर गांव का काम, ग्रामोदय प्रकल्प का कार्य प्रारंभ किया, वहाँ जयप्रभा ग्राम में, गोंडा में। उसके बाद गोंडा लंबे समय तक काम चला, देश में एक नमूना बना गोंडा, जिस गांव के विकास की दृष्टि से लोग वहाँ जाने, देखने, समझने जाने लगे। इंदिरा गांधी जी ने भी
दोबारा से जब वो सत्ता में आई तो उन्होंने कमेटी बनाई, उन्होंने कहा कि जाके देख के आओ कि नाना जी ने क्या क्या काम किया है, क्योंकि 27,000 ट्यूबवेल गांव में सिंचाई के लिए लग गए वहां पे, जो सिंचाई की समस्या का समाधान नाना जी ने कर दिया। तो इंदिरा जी विपक्ष में होने के बाद भी प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने एक कमेटी बना करके प्रेम भाई की अध्यक्षता में वहां भेजा, जिन्होंने जाके देखा कि नहीं, नाना जी ने वास्तव में किसानों के लिए 27,000 ट्यूबवेल बहुत कम कीमत के सरकार के सहयोग से लगाए। बहुत सारे विषय हैं बच्चों की जानकारी के लिए, बहुत सारे आवश्यक विषय हैं। उसके बाद में चित्रकूट में आए प्रभु श्री राम, वहाँ 11-11.5 वर्ष रहे, लेकिन फिर भी वो अभावग्रस्त क्षेत्र था, वहाँ पर शिक्षा के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी। वहाँ नाना जी ने विश्वविद्यालय बनाया जहाँ कक्षा शिशु प्री प्राइमरी से लेकर रिसर्च तक की सारी सुविधा हो, ऐसा विश्वविद्यालय बना। उसके साथ में विद्यालय भी बने, वहाँ पर खेती पानी रोजगार पढ़ाई दवाई सब प्रकार की पढ़ाई हुई, इंजीनियरिंग जर्नलिज्म सब प्रकार की पढ़ाई हुई, और वहाँ के बच्चे आज देश दुनिया में बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद 2-3 वर्षों चलाने के बाद ये लगा कि सरकार को अब इसको दे देना चाहिए, सरकार और अच्छा चलाएगी। मध्य प्रदेश सरकार को विश्वविद्यालय सौंप दिया दीनदयाल शोध संस्थान ने, अपने प्रकल्पों के माध्यम से अपने काम के द्वारा नाना जी के निर्देशन में 500 गांव में कोई गरीब न रहे, कोई बेकार न रहे, कोई अशिक्षित न रहे, कोई अस्वस्थ न रहे, हरा भरा साफ सुथरा गांव हो, गांव का विवाद किसी प्रकार का कोई कचहरी में न जाए, नया मुकदमा कोई कचहरी में न जाए, विवाद मुक्त गांव बने, इस सब के लिए काम किया। समय समय पर विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों में भी नाना जी पहुँचते थे, ये जानना जरूरी है। राष्ट्रीय अधिवेशन के भी मुख्य अतिथि रहे वो, अपने सब कार्यकर्ता जो अखिल भारतीय संगठन मंत्री हैं, महामंत्री हैं, समय समय पर मिलने जुलने। चित्रकूट में भी कई अभ्यास वर्ग संगठन मंत्रियों के लिए हम लोगों ने किए, 15-15 दिन की वर्क किए, लोग आए देखे वहाँ किस प्रकार से पानी का प्रबंधन हुआ है, किस प्रकार से एक फसल से दो फसल तीन फसल हुई है, किस प्रकार से फसलों से अलग अलग रोजगार हुए हैं और रोजगार अच्छे हुए हैं, तो किस प्रकार से संपन्नता आई है, और कैसे वहाँ के गाँव गरीब आदिवासी पढ़ने लिखने के लिए योग्य बने, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हुई, विद्यालयों में हुई, छात्रावासों में हुई, उसके बाद किस प्रकार से उनकी स्वास्थ्य की चिंता हुई। अभी अभी रतन टाटा नहीं रहे, जीआरडी टाटा की स्मृति में नाना जी ने वहाँ पर बड़ा आरोग्य धाम बनाया, आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा RBR में शोध कार्य हो, इस दृष्टि से वहाँ पर बड़ा आरोग्य धाम भी बना। प्रभु श्री राम का जीवन थोड़े में लोग समझ जाए, राम दर्शन बना। तो जब भी कभी चित्रकूट जाएंगे आपको नाना जी के कामों को देखने सुनने जानने का अवसर मिलेगा। आप सब विद्यार्थी हैं, इसलिए विद्यार्थी के नाते जहाँ कहीं भी नाना जी देशमुख जी के बारे में पढ़ने लिखने जानने का अवसर मिले हमें करना चाहिए, और अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। आपके छतरपुर से एक कार्यकर्ता वहाँ पहुँच करके नाना जी के विचारों को, उनके दर्शन को, उनके स्वावलंबन अभियान को साकार करने में छतरपुर का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए आप सब कार्यकर्ताओं को हम इस बात की भी बधाई देते हैं, क्योंकि जब हमारा वहाँ चयन हुआ उसके पहले 3-4 संगठन मंत्री और जा चुके थे, जो 2-2-3-3 दिन नाना जी के पास रह के वापस हो गए थे, और हमारे लिए भी ये चैलेंज था, क्योंकि हमें देश के वरिष्ठ विचारक चिंतक गोविंदाचार्य जी ने हमको भी ये कहा कि भरत ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि नाना जी के साथ जिस अनुशासन में जिस दिनचर्या का पालन करते हुए जिस कठिनाई के साथ स्वाध्याय करते हुए आपको उनके साथ रहना काम करना पड़ेगा, ये बहुत कठिन है, बहुत बड़ी चुनौती है, अगर ये तुम कर लोगे तो ये अच्छी बात है, लेकिन हमें लग नहीं रहा कि तुम रहोगे काम कर पाओगे। लेकिन आज वो इस बात को गोविंदाचार्य जी भी स्वीकार करते हैं कि छतरपुर से गए विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने नाना जी जैसे विचारक दार्शनिक जिनको भारत रत्न मिला उनके साथ में छतरपुर की माटी का, बुंदेलखंड की माटी का एक बहुत बड़ा योगदान नाना जी के स्वप्न को साकार करने में लगा, किसी महापुरुष के स्वप्न को साकार करने में लगा। इसलिए हम भी इस बात को लेकर गौरवान्वित होते रहते हैं कि बुंदेलखंड और छतरपुर के एक विद्यार्थी युवा कार्यकर्ता होने के नाते हम जो वहाँ सेवाएँ अपनी दे पाए, वहाँ काम कर पाए, उस क्षेत्र में काम कर पाए, ये सब आप लोगों की सहानुभूति और सद्भावना के कारण कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।